भाई पहली रेड है बादशाहपुर की तरफ से, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला डूंगरा जाट कबड्डी टूर्नामेंट का। एक नंबर बादशाहपुर वर्सेस सबको लागी टीम, बेहतरीन टीम है दोनों ही भाई। क्या होता है सबको लागी तरफ से, क्या पकड़ मिलेगी और बेहतरीन पकड़ मिली है। क्या बात है बादशाहपुर का डिफेंस क्या काम कर रहा है, और ये चला भाई बादशाहपुर की तरफ से खिलाड़ी, 15 नंबर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है, छोटा कद लेकिन भाई गेम में बहुत बड़ा कद है इस खिलाड़ी का। राफी का लेने और कोई पॉइंट नहीं, बादशाहपुर के खाता भी खुला है अभी बादशाहपुर तो। एक और एम्प्टी रेड, 2-0 स्कोर, बादशाहपुर की एम्प्टी है और संकोला का भी खाता नहीं खुला है, ऐसा लग रहा है जैसे ईशान शर्मा 99 गेंदों में 0 बनाकर खेल रहे हैं। क्या तो 0 स्कोर, टीम में बेहतरीन है दोनों भाई। होता है इस मुकाबले में संकोला की तरफ से, क्या अपनी टीम के लिए नंबर ले जाएंगे, देखना होगा क्या होता है। ओहो क्या बेहतरीन टच पॉइंट है और नंबर लेके गए पांडू ने, खाता खोला संकोला का। स्कोर 2-1 भाई, समय हो चला है करीब, क्या बेहतरीन पकड़ है, समय हो चला है करीब 3 मिनट के आसपास और पॉइंट बने हैं 2-2 दोनों के, स्कोर बराबरी पर बिल्कुल। क्या बात है नंबर पॉइंट एक और धीरे धीरे शमकोला वापसी करता हुआ और वापसी की है 3 पॉइंट की लगातार। एक समय स्कोर था, क्या बेहतरीन झंडी लगाई है, क्या लगेगी झंडी रेफरी का निर्णय, बिल्कुल पॉइंट मिला है, झंडी लगी है, फिर बराबर सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए बिल्कुल ऐसा देखने को मिला है अभी तक। और यही वो खिलाड़ी है जिसने संकोला का खाता खोला था, कोला और खोला, क्या बात है यार, क्या बात है, नंबर ले गए भाई, वाह बेहतरीन लगातार जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ खिलाड़ी। एक लेफ्ट राइडर बेहतरीन प्लेयर दोनों ही, दोनों तरफ राइट राइट राइडर, बहुत अच्छे का 2 पॉइंट है भाई, बेहतरीन प्रेशर था लेकिन प्रेशर टीम के डिफेंस के ऊपर था। स्कोर 2 पॉइंट के साथ 5 हो चला है, 5-4 स्कोर। एक और पॉइंट, स्कोर 5-5 बराबर है भाई, बेहतरीन मुकाबला है, करीब 5 मिनट के आसपास का समय हुआ इस मुकाबले में।
झंडी फिर लगी है क्या बात है, लेकिन पॉइंट मिला है पकड़ जबरदस्त। देखो क्या बात है, संघोला छह और संघोला की तरफ से 5 नंबर की जर्सी। क्या होता है देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बचाव करके खेला हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से। और एमपी क्या खेला है, विपिन भाई युवा खिलाड़ी, नया खिलाड़ी है और नया रेडर भी है टीम की तरफ से। एक और पकड़ मिली है, पकड़ लिए गए। एक और पकड़, स्कोर 7-5। धीरे धीरे 6:30 मिनट हुई है, मेरा रिंग टाइम है, मेरे रिंग टाइम लग रहा है। क्या बात है, दीपांशु रेड भी जो है स्टंप गोला की तरफ से, ये एक अकेला खिलाड़ी मैच के रुख को किसी भी तरफ पलट सकता है। बेहतरीन पॉइंट, डिफेंस को लगातार टूटने पर मजबूर कर रहे हैं खिलाड़ी। एक पॉइंट और, चलो हो जाते हैं, छलांग जरूर लगी है लेकिन बेहतरीन पकड़, डिफेंस का बेहतरीन काम। लगातार धीरे धीरे समकोला की जो लीड है वो बढ़ती जा रही है। एक समय जरूर लगा था मुकाबला टफ होने वाला है, लेकिन क्या ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। बेहतरीन जबरदस्त गेम, ये जबरदस्त प्रयास है भाई। एक पॉइंट और, स्कोर 10-5 हो चला है, आधे का अंतर पूरा। कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, और बिल्कुल रैफी का एक पॉइंट। स्कोर 6-10, भाई कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है इस मुकाबले में, लेकिन समय पूरा होने पर जीतेगी मुझे लग रहा है। एक पॉइंट और, कहां तक हाथ गया है, बिल्कुल उंगलियां कतई। एक और पॉइंट, धीरे धीरे जो पाश्चापुर की टीम है वो लीड को कम करती हुई। 7-11 स्कोर, 4 पॉइंट की भी बढ़त, और ये बेहतरीन पकड़ है भाई। भाई रेफरी हैगा, तुम इधर आ जाओ, पॉइंट मिला है भाई। बिल्कुल झंडी को छोड़ दिया था, हैप्पी पीछे से गए हैं, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा, मिलेगा रेडर को पॉइंट। लीड मात्र 2 पॉइंट की बची है अब, एक समय 5-10 स्कोर था और अब स्कोर है 9-11, 4 पॉइंट बने हैं बादशाहपुर के और 1 पॉइंट बना है समकोला का। बेहतरीन टीम, बेहतरीन खिलाड़ी दोनों तरफ, टूटता हुआ डिफेंस, और ये गलतियां कराता है खिलाड़ी लगातार। दस मिनट पूरी हो गई, 10 मिनट, 5 मिनट बचे भाई, लास्ट 5।
रेफरी का निर्णय, दो पॉइंट है भाई, दो पॉइंट है बेटा दो, और स्कोर बिल्कुल बराबरी की तरफ जाता हुआ, स्कोर हो गया है 11-12। धीरे धीरे जो पकड़ है वो मजबूत होती हुई बादशाहपुर की, और ढीली पकड़ करता हुआ संपोला, ये पीठ दिखाई और किक लगती हुई, बस तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने। तेरह 11 स्कोर, डिफेंस को भी चलना होगा, भाई ये खिलाड़ी डिफेंस में चल रहा है, ये खिलाड़ी रेड में चल रहा है और लगातार काम कर रहा है खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, बेहतरीन ये खिलाड़ी, ये भाई लंबा रेडर, लंबे कद का खिलाड़ी हैप्पी, लगातार बेहतरीन प्रयास, और एक और नुमाइश पैमाइश अपने उस हुनर की, और स्कोर 15-11 हो चला है, अब एक समय 12-11 स्कोर हो गया था, लगातार तीन पॉइंट बने हैं, एक और पॉइंट, हैप्पी बिल्कुल खुश किया है टीम को अभी तक, स्कोर 12-15 में, धनतर का समय करीब है, हैप्पी टूटता है डिफेंस, लेकिन ये टूटाता है भाई, लगातार डिफेंस को अपने ऊपर टूटने पर मजबूर करता है और काम करता हुआ, स्कोर 16-12 फेवर इन, एक और बेहतरीन पकड़ भाई, कमाल का ये खिलाड़ी है, सत्रह 12 स्कोर, लास्ट 2 मिनट से, इस लास्ट 2 मिनट में ध्यान तर की, वही काम फिर, हैप्पी की चहलकदमी राइट झंडी पर, और बिल्कुल टूटने पर मजबूर करता हुआ डिफेंस को, और डिफेंस आएगा पैरों में झटकेगा और पॉइंट मिलेगा बिल्कुल, लेकिन यहां ये डिफेंस ने काम किया है बेहतरीन, थोड़े स्लो हुए थे हैप्पी, वहां खड़े रहे, बहुत इंतजार करवाया और डिफेंस आगे, 17-13 स्कोर फेवर इन समकोला, क्या बेहतरीन, ये कमाल का खिलाड़ी, हैप्पी पर गए थे लेकिन हैप्पी ने हाथ नहीं लगाया, उससे पहले तो डिफेंस टूट गया, और अब स्कोर 17-14 3 पॉइंट की लीड, झंडी निकालने का प्रयास है, फिर टूटा डिफेंस, रेफरी का निर्णय, एक पॉइंट और भाई, लास्ट लास्ट रेड में ध्यान तर किए, चौदह 18 स्कोर, 4 पॉइंट की लीड जरूर है, लेकिन वापसी करने में माहिर बादशाहपुर भी बिल्कुल वापसी करना जानती है और करके दिखाएगी, यह डिफेंस टूट रहा है, और बिल्कुल एक पॉइंट और, लास्ट रेड में ध्यान तर किए, हो गया नहीं, लास्ट रेड है, लास्ट लास्ट बोला था मैंने, लास्ट
15-18 स्कोर, 3 पॉइंट की लीड अभी भी शम कोला के पास है, एक या दो और स्कोर फिर मध्यांतर हो गया। मध्यांतर पॉइंट मिला है शम कोला को, स्कोर 19-15 मध्यांतर के समय। दोनों खेलेंगे हैं? ना ना खेलना पड़ा वो थर्ड पे। एक और बेहतरीन पॉइंट, और जो जीती हुई है वो फाइनल है। बेहतरीन तू कौन चैनल पर डाल कर रहा है? क्या पकड़ मिलेगी? लेकिन भाई पकड़ नहीं मिलेगी, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, भारी भरकम शरीर, पंजा छुटाता है और लगातार काम करता है। झंडी लगाने का प्रयास, बेहतरीन। एक और पॉइंट, सब कुछ कंप्यूटर है ना, भाई रेफरी बेहतरीन रेफरशिप। डिफेंडर है। स्कोर 19-15 हाफ टाइम के पहले था और अब स्कोर 4-0। बस 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 बेहतरीन पकड़ा भाई, बहुत बढ़िया, अल्लो कर दिया है काम। मुझे पहले ही लग रहा था बहुत नुकसान हो रहा है भाई। अब बिना कह रहे हैं फिर तो क्या बेहतरीन डिफेंस है, जबरदस्त काम डिफेंस करता हुआ और पॉइंट बादशाह पर के खाले बात लेने शाम को लाखों मिला है पॉइंट। ये हैप्पी भाई लगातार खुश कर रहा है अपनी टीम को और टीम भी बहुत खुश है क्योंकि काम ही ऐसा किया इसने। भाई अब आज लगा दे, क्या करेगी टीम को, 2 मिनट है। बेहतरीन पकड़ दीपक, बेहतरीन एफर्ट से अंतिम 10 मिनट से इस मुकाबले की। एक और कमाल, एक और प्रदर्शन हैप्पी का, इस मुकाबले का कभी भी निर्णय आ सकता है। बेहतरीन ये पॉइंट, मैच होता हुआ यहां पर समाप्त। और स्कोर की बात करें तो 7-2 स्कोर मध्यांतर के बाद, बेहतरीन मुकाबला भाई। जो हारी हुई है हीरे भाई, हारी हुई
मैच होगा भाई, शमकोला इसमें विनर है भाई।